देखिए उनको सूट करता है इस प्रकार का इलेक्शन का माहौल चल रहा है और वो चाहते हैं कि पहले जो हार हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की और पीडीपी की लोकसभा इलेक्शन में, वो उसी को यहां पर कैश करना चाहते हैं और उनके लिए तभी घड़ियाली आंसू बढ़ा रहे हैं। देखिए कश्मीर में ये एक शांति का माहौल है, ये दोबारा से लोगों को भड़काकर इस प्रकार का माहौल बनाना चाहते हैं कि यहां पर लोग फिर से टकराव के रास्ते पर आए, लेकिन लोगों ने समझा है और मुझे लगता है इस प्रकार का माहौल नहीं बने। देखिए वही लोकतंत्र लोकसभा के इलेक्शन में जो हार हुई थी तो वो सोचती हैं शायद इस चीज को कैश किया जाए, तो इसीलिए उन्होंने किया है, माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है और द्वारा वहां पर इस प्रकार का वो कोशिश करना चाहते हैं शायद कोई सिंपति लेकर के, तो शायद कुछ आने वाले इलेक्शन में वोट का फर्क पड़े। कुछ इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए कमंडल बनाना चाहते हैं, वही उनकी एक कोशिश है, एक से बढ़कर एक वो दोनों में कंपटीशन लगा हुआ है। और एक चीज है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल स्टेटमेंट दिए हैं, मोदी जब पावर में हटेंगे उसका उनकी मृत्यु होगी, ये तो नहीं होगा। देखिए इतने बड़े नेता को इस प्रकार की कैसी सोच हो सकती है? अभी अमित शाह जी ने कहा है कि भगवान उनकी लंबी उम्र करे खड़गे जी की, ताकि वो 2047 का विकसित भारत देख सके, तो हम किसी के लिए क्या सोचते हैं, उनकी क्या जबान से क्या निकलता है, यही फर्क है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे की हेल्थ का इश्यू था तो प्राइम मिनिस्टर ने बात की फॉर्मेलिटी के अनुसार, लेकिन इतना स्टेटमेंट देना ठीक है? देखिए कांग्रेस को खुद सोचना चाहिए कितने फ्रस्ट्रेशन है उनमें, उसी के कारण से इस प्रकार की बयानबाजी हो रही है।